अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पिंजरे के बदबू कैसे ख़त्म की जाए। सबसे पहले तो आज हमें इसको समझना होगा कि इस बदबू पैदा क्यों होती है पिंजरे में। उसकी बुनियादी वजह उसमें मौजूद पानी होता है। जब मुर्गियाँ पानी पीती हैं तो वो साथ में उसको पाँव मारती हैं और उस गीले पाँव को लेकर पिंजरे में फिरती हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियाज बनते हैं बिट्ठों की वजह से, तो वो बदबू पैदा होती है बहुत ज़्यादा, तो जिससे बीमारियाँ बढ़ने का खदशा होता है। और फिज़ा में भी आप उस पिंजरे के पास नहीं बैठ सकते, घर पे अच्छा माहौल नहीं कायम कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उस नमी को ख़त्म करें। नमी को ख़त्म करने के लिए अगर आपने चावल का छिलका या कोई पिंजरे में कोई ऐसी चीज़ डाली हुई है, लिटरिंग की हुई है उसमें, तो आपने उस जहाँ जहाँ पे पानी गिरा है उस उतनी जगह से आपने चावल का छिलका और उस लिटर को चेंज करना है। तो बाकी जो तीन चीज़ें मैं आज आपको बताने लगा हूँ जिससे आप नमी में कमी कर सकते हैं। पहली चीज़ जो नमी को आपके दूर करती है वो आपकी मिट्टी, जो कि बहुत ही सस्ता और अच्छा सोल्यूशन है। इसके दो फायदे हैं कि इसमें मिट्टी में आपकी मुर्गियाँ खेलती भी हैं और इसको खाती भी हैं। खाने से उनके कैल्शियम की कमी पूरी होती है और वो अंडे कच्चे नहीं देती हैं, और खेलने की वजह से एक तो वो खुश रहती हैं, अंडे ज़्यादा देती हैं, और उनके पैरों की सफाई होती रहती है, उनके अंदर जो कीड़े होते हैं और जो जुएँ वगैरह पड़ी होती हैं वो भी उससे सफाई करती हैं अपनी परों की और बॉडी की। चीज़ें कि उसमें वो नमी जो है ना फौरन आपकी पी लेती है, जो बिट्ठों का जो पानी होता है वो उसमें फौरन जज्ब हो जाता है, और बाकी जो बचता है वो आपकी खुश्क होती है, वो ड्राई होता है सारा मटेरियल, उससे बदबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप ये आजमा सकते हैं, ये मेरा आजमूदा तरीका है, मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। मिट्टी आपको आम नर्सरी से मिल जाएगी, ये बहुत ही सस्ता रहता है सोल्यूशन, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। दूसरा जो हल है इसका रेत है, रेत भी तकरीबन वही काम करती है जो मिट्टी कर रही है। इसमें भी मुर्गियां खेलती हैं, इसको खा भी लेती हैं, फ़र्श इससे बड़ी जल्दी खुश्क हो जाता है, तकरीबन वही काम है। रेत आपको बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों से मिल जाएगी। तीसरी एक बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है वो है चूना। चूना आपको पेंट की दुकानों से मिलेगा, ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीसेप्टिक भी होता है। ये जो प्रोफेशनल पोल्ट्री का काम करते हैं वो लोग अपने बिल्डिंग में, पिंजरों में और जगहों पे वो यही यूज़ करते हैं, दीवारों पे फ्लॉक डालने से पहले, और फर्श को इसी से खुश्क करते हैं, बीमारियां इससे ख़त्म होती हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, ये तीनों आइडियाज़ जिससे आप यूज़ करके आप पिंजरे की बदबू ख़त्म कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।